हाल ही में कुछ बीजेपी नेताओं ने हावड़ा में एक जनसभा के दौरान राष्ट्रगान गाया था, जिस पर अब विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रगान को गलत तरीके से गाकर राष्ट्रगान का अपमान किया है। इसका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। बता दें कि वीडियो को शेयर करते हुए कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि जहां उन्हें जनगण मंगलदायक जय हे गाना था, वहां वो जनगण मन अधिनायक जय हे गा रहे थे। इसी मुद्दे पर तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी ने रविवार को दावा किया है कि भाजपा नेताओं ने हावड़ा में एक सार्वजनिक रैली में राष्ट्रगान गलत तरीके से गाया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले राष्ट्रगान भी सही ढंग से नहीं गा सके। उन्होंने आगे लिखा कि यह वही पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बनाए रखने का दावा करती है। शर्मनाक, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए माफी मांगेंगे? इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पश्चिम बंगाल की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी कहा है कि भाजपा ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने कहा, हैरान करने वाली बात है कि जहां उन्हें जनगण मंगलदायक जय हे गाना था, वहां वो जनगण मन अधिनायक जय हे गा रहे थे। दूसरी तरफ भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रगान पर उसी प्रकार राजनीति कर रही है जैसा उसने भगवान राम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुद्दे पर किया था। उन्होंने कहा है कि कोई भी ये नहीं मान सकता कि मंच पर मौजूद इतने सारे लोगों ने गलत तरीके से राष्ट्रगान गाया। ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि सारे के सारे लोगों ने वहां गलत राष्ट्रगान गाया है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।